कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर बिरयानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चावल बना लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसमें हमने लगभग 4 गिलास के करीब पानी डाला है। तो पानी में उबाल आ चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 4 से 5 छोटी इलायची डाल देंगे, 6 से 7 लौंग डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 गिलास बासमती चावल। इसे हमने धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो लिया है। इसे हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और फुल आंच पर इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। गैस यहाँ पर थोड़ा कम कर देंगे और इसे पकने देंगे। चावल को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, 70% पका लेंगे। तो देखिए चावल 70% पक चुका है। तो अब गैस बंद कर देंगे और चावल को छान लेंगे। तो देखिए चावल को हमने छान लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। यहाँ पे हमने 2 प्याज लिया है। प्याज को बारीक से काट लिया है। इसे चला देंगे, गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज अब ब्राउन हो चुका है। गैस हम बंद कर देंगे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर से हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी और 1/2 चम्मच जीरा। इसे मिला देंगे। अब गैस हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे मिला देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिला देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस हम धीमी ही रखेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे 1 टमाटर का पेस्ट। इसे मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही। इसे मिला देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें पनीर डाल देंगे।
हमने 400 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से मिला देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, तो अब गैस बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसके ऊपर धनिया पत्ता छिड़क देंगे, पुदीना पत्ता डाल देंगे, भुना हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा प्याज हम बचा लेंगे। अब इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। चावल को अच्छी तरह से फैला करके डालेंगे। अब इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। इसे हमने दूध में घोल लिया है। फिर से इसके ऊपर हम धनिया पत्ता छिड़क देंगे, पुदीना पत्ता छिड़क देंगे, बचा हुआ प्याज डाल देंगे। एक चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे, 2 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे और 1 चम्मच घी और डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और आटे से इसे हम सील कर देंगे। इस तरह से इसे हम सील कर देंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से सील कर दिया है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे। अभी गैस हम मीडियम रखेंगे और इसे मीडियम आंच पर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब आटे को हम हटा देंगे। तो अब पनीर बिरयानी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।